हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लाभ हानि के सेशन में। अभी तक हमने आपको लाभ हानि के बहुत से क्वेश्चंस करा दिए हैं और हम आपको आगे भी लाभ हानि के क्वेश्चंस कराते रहेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, एक रंगीन टेलीविजन को 5,060 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि टेलीविजन को 4,370 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। हमसे पूछ क्या रहा है, हानि परसेंटेज पूछ रहा है। तो हमसे हमसे सबसे पहले लाइन में बोला है कि एक रंगीन टेलीविजन को 5,060 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो हम ये पता कर लेते हैं कि उस रंगीन जो टेलीविजन है उसका क्रय मूल्य क्या है। तो आइए फाइंड करते हैं। हम जानते हैं क्रय मूल्य इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है, 5,060 × 100 / कितने परसेंटेज का लाभ हो रहा है, 10। यानी 100 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110। 0 से 0 कट गया, 11 11 44, 11 6 66। तो क्रय मूल्य आपका कितना आ गया, 4,600, यानी 4,600। क्रय मूल्य कितना है, 4,600, लेकिन उसे बेच कितने का रहा है, वो 43,070, 370 में कि सॉरी 4,370 रुपये में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 4,370। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और सेकेंड जो सेलिंग प्राइस है वो 4,370 रुपये है। तो आइए हम हानि निकाल लेते हैं। लॉस इज इक्वल होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो लॉस इज इक्वल टू 46,000 − 43,070 इज इक्वल टू आपका आएगा, देखिए घटाइए 0 0 7 6 में से 3 गए 3, 370। यानी कितने की हानि हो रही है, 370 रुपए की। लेकिन हमसे हानि ना पूछ कर क्या पूछा है, हानि प्रतिशत बताइए, क्या बताइए, हानि प्रतिशत। तो हम जानते हैं लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू होता है लॉस अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस है आपका 370 और क्रय मूल्य हमारा कितना है, 46,000। तो छिया सॉरी 4,600, 4,600 × 100, 0 से 0 कट गया। अब इसको काट दीजिए 2 से, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2 1 9, 2 बच गए, 1 2 9 2 8 16 बच गया, 1 2 5 10। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू आया 185/23। जब इसको हम भाग करेंगे तो आपका आएगा 8.04, ऐसे कुछ आएगा। यानी कितने परसेंटेज की हानि हो रही है, 8.04% की हानि हो रही है। आइए फिर से एक बार इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है एक रंगीन टेलीविजन को 5,060 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। अगर सिर्फ इतना होता तो हमसे क्रय मूल्य फाइंड करने के लिए कहता। तो हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या फाइंड किया, क्रय मूल्य कितना है। उसके बाद कह रहा है कि यदि टेलीविजन को 4,370 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। क्रय मूल्य हमने कितना निकाला, 4,600 निकाला। उसके बाद कह रहा है कि यदि उसे 4,370 में बेचा जाए, यानी कि क्रय मूल्य उसका 4,600 था और बेच कितने का रहा है उसे, 4,370 में। तो जाहिर सी बात है क्या होगी, हानि होगी। फिर हमसे क्या पूछा था, हानि प्रतिशत। तो हमने हानि प्रतिशत निकाल लिया। आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है एक पंखे को 12,000 रुपए में, ये 12 लिखा है दोस्तों, एक पंखे को 12,000 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि पंखे को 9,500 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। सेम क्वेश्चन हमने आपको जैसा कि पहले ही बताया है कि हम एक टाइप के 2 या 3 क्वेश्चंस कराते हैं, उनमें आपको जो भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताया करिए। अगर आपको ना समझ में आ तो भी बताया कि हम आपको समझाने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तब पर भी आपको समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करिए। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है एक पंखे को 12,000 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। यानी अगेन हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है आपका, 12,000 रुपए है। उसके बाद
100 कितने परसेंट का लाभ लेना है उसे, 20 यानी 100 में हम 20 ऐड करेंगे, जब लाभ बोलेगा तो हम ऐड करेंगे और जब हानि बोलता है तब क्या करते हैं, सब ट्रैक करते हैं। तो 20% का लाभ हो रहा है यानी 100 में जब 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 12 से 12 कट गया, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 10,000। कितना आ गया, 10,000 रुपए। और हमें सेलिंग प्राइस कितना दिया है, बोल रहा है कि 9,500 में बेचे, कितने में बेचे, 9,500 में, यानी सेलिंग प्राइस कितना दिया है हमें, 9,500। फिर हमसे पूछ क्या रहा है, प्रतिशत हानि बताइए। तो सबसे पहले प्रतिशत हानि बताने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होनी, हानि पता होनी चाहिए कि कितने की हानि हो रही है। तो आइए हानि निकाल लेते हैं, हानि इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, हानि इज इक्वल टू 10,000 माइनस 9,500, घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 500। कितना आ जाएगा, 500। हमसे पूछा क्या है, लॉस परसेंटेज पूछा है, तो लॉस अपान क्रय मूल्य इंटू 100, तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 500। क्रय मूल्य कितना है आपका, अभी हमने फाइंड किया कितना है, 10,000 है, कितना है, 10,000 बटे 10,000 गुणे 100, 0 से 2 जीरो कट गया, ये भी कट गया, तो लॉस कितने का हो रहा है उसे, 5% का लॉस हो रहा है। इसी तरीके की सवाल हमने आपको ये पहले कराई थी कि एक रंगीन टेलीविजन को 5,060 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, यदि टेलीविजन को 4,370 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है कि एक पंखे को 12,000 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, यदि पंखे को 9,500 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एक मेज को 1200 रुपए की अपेक्षा 1125 रुपए में बेचने से 5% अधिक हानि होती है, मेज का क्रय मूल्य बताइए। देखिए ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जैसे 1200 में बेच रहा था तो 1200 में ना बेचकर कितने का बेचा, 1125। तो हम पता कर लेते हैं 1200 और 1125 के बीच में कितने रुपए का डिफरेंस है, कितने रुपए का डिफरेंस है। तो 1200 में से आप 1125 घटा लीजिए, घटाइए 10 में से 5 गए 5, ये कितना हो गया, 9, 9 में से 2 गए कितना बचेगा, 7, ये 1 हो गया, 1 0 0 कट गया, यानी कितने रुपए का डिफरेंस है, 75 रुपए का डिफरेंस है। और अगर हम सवाल में देखें तो हमें परसेंटेज के रूप में डिफरेंस कितना दिया है, 5%। कितना दिया है, 5%। तो हम ऐसे इसको करते हैं, 5% इज इक्वल टू 75 रुपए, तो 100% किसके इक्वल होगा, 75 गुणे 100 बटे 5। 5 से काट दीजिए, 5 एक 5 कितने बचे, 2 5 25, यानी जो मेज थी उसका क्रय मूल्य कितना आ गया, 1500 रुपए आ गया। आपका क्रय मूल्य कितना आ गया दोस्तों, 1500 रुपए आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हमें दिया रहता है कि इतने में ना बेचकर उतने में बेचता है तो उसे 5% की हदी मतलब हानि या लाभ होता है। तो ये पता कर लेते हैं कि उनके बीच में जो ये हमें दिया है 1200 रुपए और 1125 रुपए, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, कितने का डिफरेंस था, 75 रुपए का डिफरेंस था, और परसेंटेज में देखा जाए तो कितने का डिफरेंस है, 5%। यानी जो 5% है वो किसके इक्वल है, 75 के क्या है, इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। अगर 5% 75 के इक्वल है तो 100% निकाल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश 10 रुपए प्रति दर्जन, इसको ध्यान दीजिएगा, खरीदे, यदि वह 1 रुपए प्रति ब्रश बेचे तो उसे कितने का लाभ होता है। हम जानते हैं 1 दर्जन में कितना होता है, 1 दर्जन इज इक्वल टू 12। 1 दर्जन में कितना कितनी संख्या होती है, 12 होती है, जब 12 चीजें हो जाती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 दर्जन। तो कह रहा है कि एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश 10 रुपए प्रति दर्जन खरीदे, तो हम 1 दर्जन ब्रश कितने का है, एक दर्जन ब्रश दुकानदार ने कितने का खरीदा, 10 रुपए का, कितने का खरीदा, 10 रुपए का। तो 2 दर्जन ब्रश का क्रय मूल्य निकाल लीजिए, 2 दर्जन ब्रश का क्रय मूल्य इज इक्वल टू 2 दर्जन है और 2 दर्जन ब्रश है और 1 दर्जन ब्रश की कीमत कितनी है, 10,
यानी कितने रुपए के खरीदे दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश, 20 रुपए का। क्रय मूल्य कितना आ गया? 20 रुपए। कह रहा है कि यदि वह 1 रुपए प्रति ब्रश बेचे, 1 रुपए प्रति ब्रश बेचे, यानी कि 2 दर्जन, 2 दर्जन क्या कहते हैं, कितने ब्रश होंगे? 2 दर्जन में ब्रश की संख्या, ब्रश की संख्या हम जानते हैं 1 दर्जन में 12 ब्रश, तो 2 दर्जन में 24 ब्रश, कितने ब्रश हो जाएंगे? 24 ब्रश। कह रहा है कि क्या कहते हैं, 1 रुपए को प्रति ब्रश बेच रहा है, मतलब कि प्रत्येक ब्रश 1 रुपए का बेच रहा है, तो 24 ब्रश है, तो 24 ब्रश है तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा 24 ब्रश है, और प्रत्येक ब्रश को बेच कितने में रहा है? 1 रुपए में, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया आपका? 24%, 24 रुपए आ गया। खरीदा कितने का था? 20 रुपए का खरीदा था, और बेच कितने का रहा था? 24 रुपए का। तो आइए हम लाभ निकाल लेते हैं, लाभ इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो लाभ इज इक्वल टू 24 माइनस 20 इज इक्वल टू 4, कितना आ गया? 4। हमसे पूछा क्या है, उसे कितने का लाभ हो, यानी कितने का लाभ होगा? 4 रुपए का लाभ होगा। आइए एक बार हम ये क्वेश्चन आपको फिर से बताते हैं कि एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश 10 रुपए प्रति दर्जन, यानी 1 दर्जन 10 रुपए का, और वो 2 दर्जन खरीद रहा है, तो दोनों दर्जन का मूल्य कितना हो जाएगा? 20 रुपए। कितना हो जाएगा? 20 रुपए। यदि 1 रुपए प्रति ब्रश बेचे, 1 दर्जन में जब 12 ब्रश होते हैं, तो 2 दर्जन में कितने ब्रश हो जाएंगे? 24 ब्रश हो जाएंगे। और हमसे कह रहा है कि जो प्रत्येक 24, जो जितने भी ब्रश है, मतलब 24 ब्रश है, सभी को 1-1 रुपए में बेच रहा है। कितने रुपए में बेच रहा है? 1-1 रुपए में बेच रहा है, तो हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 रुपए आ जाएगा। उसके बाद हमसे पूछ रहा था कितना लाभ होगा, तो हमने निकाल लिया कितना लाभ होगा, उसे 4 रुपए का लाभ होगा, तो लाभ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 रुपए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार ने 2 दर्जन केले 15 रुपए प्रति दर्जन खरीदे, यदि वह 1 रुपए प्रति केला बेचे, तो उसे लाभ ऑब्लिक हानि क्या होगा? चलिए पता करते हैं, हमें पता है कि क्या कहते हैं, 1 दर्जन में कितना केला होता है? 12। कितना होता है? 12। ये ध्यान रखिएगा कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो हमसे कह रहा है कि 2 दर्जन केले 15 रुपए प्रति दर्जन खरीदे, तो 2 दर्जन केलों का मूल्य निकालिए, केलों का क्रय मूल्य। केले कितने हैं? 2 दर्जन, और 1 दर्जन खरीद कितने का रहा है? 15 रुपए का, तो 2 × 15 इज इक्वल टू कितना आ गया? 30 रुपए, यानी कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ गया? 30 रुपए आ गया। यदि वह 1 रुपए प्रति केला बेचे, हम ये निकाल लेते हैं कि 2 दर्जन में कितने केले, 2 दर्जन में केलों की संख्या, केलों की संख्या इज इक्वल टू आपका आएगा, 2 दर्जन में केलों की संख्या 2 × 12, 1 दर्जन में 12, तो 2 दर्जन में 24 केले। कह रहा है कि प्रत्येक केला 1 रुपए प्रति बेच रहा है, तो हम निकाल लेते हैं विक्रय मूल्य, हमारे पास 24 केले हैं, और उनको बेच कितने में रहा? 1 रुपए में। विक्रय मूल्य आपका कितना आ गया? 24 रुपए। तो हमसे पूछ रहा है कि उसे लाभ या हानि क्या होगा, तो देखिए विक्रय मूल्य उसका कितना है? 30 रुपए, और विक्रय मूल्य 24 रुपए, तो आप बताइए लाभ होगा कि हानि? जाहिर सी बात है हानि होगी, क्योंकि खरीद तो 30 रुपए में रहा है, लेकिन बेच कितने में रहा है? 24 रुपए में। तो निकाल लेते हैं कितने की हानि हो रही है। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस आपका 30 है और सेलिंग प्राइस कितना है? 24, तो लॉस कितने का हो रहा है? उसे 6 रुपए का लॉस हो रहा है। तो हानि, यानी इस क्वेश्चन में हमें क्या, इस सौदे में दुकानदार को क्या होगा? हानि होगी, और वो भी कितने रुपए की हानि होगी? 6 रुपए की हानि होगी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पेन व 3 पेंसिल का मूल्य 18 रुपए है, 3 पेन व 5 पेंसिल का मूल्य 28 रुपए है, तो 1 पेन व 1 पेंसिल का क्रय मूल्य बताइए। क्या बताइए? क्रय मूल्य। तो हम इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, माना पेन का मूल, माना एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य इज इक्वल टू एक्स, और एक पेंसिल का मूल्य इज इक्वल टू वाई, इज इक्वल टू वाई। इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनेंगे। जब एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, एक पेन का मूल्य x रुपए है, तो 2 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 2x। जब एक पेंसिल का मूल्य y है, तो 3 पेंसिल का 3y, 2x + 3y कितने? 18 रुपए।
ये समीकरण फर्स्ट बन गया आपका। सेकंड समीकरण में आते हैं, सेकंड समीकरण का तीन पेन यानी एक पेन यक्स रुपए की, तो तीन पेन 3x रुपए की हो जाएगी, और एक पेंसिल 5 रुपए की, तो 5 पेंसिल कितने रुपए की हो जाएगी, सॉरी एक पेंसिल y रुपए की है, तो 5 पेंसिल 5y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 28। ये समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को हल करने पर आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है, 18 है। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 28 है। देखिए या तो हम x को बराबर कर लें या तो y को, अगर इन एक में को बराबर कर लेंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी, तो हमें आइए x को बराबर कर लेते हैं। यहाँ हम 3 से गुणा करेंगे और यहाँ किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो जब हम गुणा किए तो आपका आएगा गुणा करने पर 3 × 6x, 3 × 9y इज इक्वल टू 18 का 18, 18 × 36, 18 × 54। ये गुणा करने पे आएगा 3 × 6x प्लस 5 × 10y इज इक्वल टू 28 × कितना होता है, 8 × 16, हासिल बच गए 1, और 2 × 4, 4 × 1, 5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, सबसे पहले हम सिंबल बदलते हैं। यहाँ प्लस का सिंबल है तो क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ भी प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अगर माइनस रहता तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो देखिए यहाँ पे प्लस में 6 है, यहाँ पे माइनस में 6 है, तो घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 0। तो 10 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 1 बचेगा, लेकिन सिंबल किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि 10 क्या है, बड़ा है। 56 में से 54 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, कितना बचेगा, लेकिन सिंबल किसका आएगा, माइनस का। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 2 रुपए आ गया, यानी पेंसिल की कीमत कितनी है, एक पेंसिल की कीमत कितनी है, 2 रुपए है। तो आइए पेन का मूल्य निकाल लेते हैं, किसी भी समीकरण में रख लीजिए, हम समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, ये है आपका, ये हमें 2 रुपए, हम पेंसिल की कीमत हम 2 रुपए निकाले हैं, यानी y की वैल्यू कितनी है, 2। तो जहां y है वहां पे 2 रखेंगे हम, 2 इज इक्वल टू 18। 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 18, 2x इज इक्वल टू 18 माइनस 6, तो 2x, 18 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12, कितना आ जाएगा, 12। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 रुपए। यानी कि अगर हम, हमसे पूछा क्या था कि एक पेंसिल और एक पेन का क्रय मूल्य बताइए, तो एक पेन का क्रय मूल्य कितना है, x इज इक्वल टू कितना आया आपका, 6, और y इज इक्वल टू कितना आया, 2। यानी एक पेंसिल की कीमत 2 रुपए है और एक पेन की कीमत कितने रुपए है, 6 रुपए है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, 6 पेन और 4 रबड़ का मूल्य 14 रुपए है, 10 पेन और 2 रबड़ का मूल्य 21 रुपए है, तो एक पेन और एक रबड़ का क्रय मूल्य, इसी उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने आपको जस्ट कराया। तो मान लीजिए, माना एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य इज इक्वल टू एक्स रुपए, कितना रुपए, एक्स रुपए। तो एक रबड़ का मूल्य कितना हो जाएगा, रबड़ का मूल्य इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे आप एक्स वाई के अलावा कोई भी संख्या मान, मतलब कोई भी चर मान सकते हैं, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन में। तो आइए सॉल्व करते हैं। एक पेंसिल एक्स रुपए की है, एक पेन एक्स रुपए का है, तो 6 पेन कितने रुपए का होगा, 6x। एक रबड़ वाई रुपए का है, तो 4 रबड़ 4y इज इक्वल टू 14 रुपए। ये आपका समीकरण फर्स्ट बन गया। सेकेंड भी ऐसे बनेगा, एक पेन एक्स रुपए का, तो 10 पेन 10x प्लस 2 रबड़ का हमसे पूछ रहा है, एक रबड़ y रुपए का है, तो 2 रबड़ 2y इज इक्वल टू कितना, 21। ये आपका समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को सॉल्व करने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को हल करने पर चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। 14 10x
प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अभी हमने जस्ट आपको बताया था कि इसमें एक वैल्यू को बराबर करनी पड़ेगी, आपको जो अच्छा लगे, चाहे x की x को बराबर कर लीजिए, चाहे किसको बराबर कर लीजिए, y को। तो हम x को बराबर कर लेते हैं। आप चलिए, अभी तक हम पहले क्वेश्चन में हमने x को बराबर किया, इसमें y को बराबर कर लेते हैं। तो इसमें 2 करते हैं, इसमें 4 का गुणा करते हैं, तो गुणा करने पर आपका आएगा 6 दुनी, ये जो 2 है सबके साथ गुणा करेंगे, ना कि सिर्फ वाई में ही गुणा करेंगे। 6 दुनी 12 एक्स प्लस 4 दुनी 8 वाई इज इक्वल टू 14 दुनी 28। इसमें गुणा करेंगे 10 चौके 40 एक्स प्लस 4 दुनी 8 वाई इज इक्वल टू 21 चौके 4 एकम में 4, 4 दुनी 8। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपका समीकरण हमें मिल गया 12x + 8y इज इक्वल टू 28, और 40x + 8y इज इक्वल टू 84। सिंबल चेंज कर लेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस घट गया। 40 में से 12 घटाइए, 40 में से 12 घटाएंगे तो आपका आएगा, 40 में से 12 घटाएंगे तो आपको कितना आएगा, 28, वो भी माइनस में, क्योंकि 40 क्या है, बड़ा है, और 84 में से 28 घटाएंगे तो आपका आएगा कितना, आएगा आपका 56, कितना आएगा 56। तो 0 माइनस से माइनस कट गया, 28 दोनों कितना होता है 56, कितना होता है 56। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 56 रुपए। यक्स किसकी वैल्यू माने थे, सॉरी यक्स आपका आ गया 2 रुपए, कितना आ गया 2 रुपए। यक्स किसका माने थे, हम पेन का मूल्य कितना माने थे, यक्स, यानी एक पेन कितने रुपए की मिल रही है, 2 रुपए की। तो आइए रबड़ का कीमत निकाल लेते हैं, किसी भी समीकरण में रख दीजिए। अगली बार हमने फर्स्ट समीकरण में रखा था, आपकी बार सेकंड में रख देते हैं। 10x + 2y इज इक्वल टू 21, एक्स की वैल्यू है 2, प्लस 2y इज इक्वल टू 21, 10 दुनी 20, प्लस 2y इज इक्वल टू 21, 2y इज इक्वल टू 21 माइनस 20, 2y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1/2, यानी दशमलव में चेंज करेंगे तो 0.5, यानी रबड़ की कीमत कितनी है 50 पैसे, और क्या कहते हैं पेंसिल की कीमत कितनी है, वो पेन की कीमत कितनी है 2 रुपए। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, 5 पेन व 3 पेंसिल का क्रय मूल्य 21 रुपए है। 5 पेन व 3 पेंसिल का क्रय मूल्य 21 रुपए है, 10 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य 40 रुपए है, तो 1 पेन और 1 पेंसिल का क्रय मूल्य क्रमशः ज्ञात कीजिए। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे हमने आपको अभी 2 कराया है, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। 1 पेन का क्रय मूल्य, मूल्य इज इक्वल टू यक्स, और 1 पेंसिल का मूल्य इज इक्वल टू वाई, देन 5x + 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 21, ये समीकरण फर्स्ट। उसके बाद 10x + 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, ये समीकरण सेकेंड। सॉल्व करने पर फर्स्ट व सेकेंड को सॉल्व करने पर, सॉल्व करने पर चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 5x + 3y इज इक्वल टू 21, 10x + 5y इज इक्वल टू 40। तो किसी को भी इक्वल कर लीजिए एज यू विश। तो चलिए x को इक्वल कर लेते हैं, यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है। 10 × 50x + 30y इज इक्वल टू 210, 15 × 50x + 25y इज इक्वल टू 40 × 5 = 200। ये आपका मिल गया समीकरण। सॉल्व करते हैं हम समीकरण को, 50x + 30y इज इक्वल टू 210, 50x + 25y इज इक्वल टू 200। सिंबल चेंज कर लेंगे, ये घट गया, 30 में से 25 घटाएंगे 5 आएगा, ये 10, y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 2, यानी पेंसिल की कीमत कितनी है, 1 पेंसिल कितने रुपए की, 2 रुपए की। और हमसे पेन के, अभी पेन बचा है तो पेन का निकाल लीजिए, किसी भी समीकरण में रख दीजिए, फर्स्ट वाले में रख देते हैं। 5x + 3y इज इक्वल टू 21, y की वैल्यू कितनी मिली है आपको, 2 इज इक्वल टू 21, 5x इज इक्वल टू 21 - 6, 11 में से 6 गए कितना बचेगा 5,
यहाँ पे बच्चा एक यक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। यानी पे एक पेंसिल की कीमत 3 रुपए और एक पेन की कीमत, सॉरी सॉरी, एक पेन की कीमत 3 रुपए और एक पेंसिल की कीमत 2 रुपए होगी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई वस्तु 25% लाभ पर बेची जाती है, यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा? तो माना क्रय मूल्य इज इक्वल टू 100, कितना मान लेते हैं 100। उसके बाद अगर 25% लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जानते हैं 100 × 125/100, विक्रय मूल्य आपका कितना आ गया 125। कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य हमारा 125 है, जब इसको दोगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 10, 2 × 2 = 4, 1 = 5, 2 × 1 = 9, 2। विक्रय मूल्य कितना आ गया 250। तो लाभ कितना होगा, विक्रय मूल्य हमारा 250 है और क्रय मूल्य कितना है 100, तो लाभ निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लाभ इज इक्वल टू 250 माइनस 100, घटाएंगे तो आपका आएगा 150। लाभ लाभ कितना होगा, 150 रुपए का लाभ होगा। अगर लाभ प्रतिशत पूछा होता तो हमसे लाभ परसेंटेज इज इक्वल टू लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, लाभ परसेंटेज आपका आ जाता 150/100 × 100, कितने परसेंटेज का लाभ होता, 150% का लाभ होता। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला और लास्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा? माना क्रय मूल्य कितना 100, माना क्रय मूल्य 100 रुपए, तो विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य गुणे 100 + - प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन 100। तो विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य आपका 100 है, कितने परसेंटेज का लाभ हो रहा है 20, यानी 100 में 20 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 120/100, कट गया। विक्रय मूल्य आपका कितना आ गया 120 रुपए आ गया। हमसे बोल रहा है यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य हमारा 120 है, इसको दोगुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 240, तो लाभ कितना होगा, 240 आ गया। अब लाभ निकाल लेते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ इज इक्वल टू 240 माइनस 100, तो लाभ आपका आएगा 0 = 4 = 1, 140 रुपए का लाभ होगा। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको लाभ हानि के 10 क्वेश्चन कराए हैं। इन क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और हमारे वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारी कोशिश को प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।